वेलकम बैक दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? तो आप सभी का स्वागत है अनसंसारी चैनल के ऊपर। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे आपसे बहुत ही खास विषय पे चर्चा करने वाले हैं। आज हम आपसे चर्चा करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों आप सभी को यह मालूम होना चाहिए कि हमने एक वीडियो बनाए थे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर, जिसमें हमने डिस्कस किए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद हमने वीडियोस बनाए थे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने टॉपिक लिया था वॉल्ट के बारे में। तो वॉल्ट के जो फीचर्स थे और वॉल्ट के जो क्लासिफिकेशन थी हमने डिस्कस यहाँ पे करे थे। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखे हो प्लीज आप वीडियो को देखो और जितना हो सके इसको आगे इतना फॉरवर्ड करो और शेयर करो और प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। तो दोस्तों हम आज बढ़ते हमारे अगले मुद्दे की तरफ। यहाँ पे आज हम आप लोगों से चर्चा करेंगे बहुत ही खास विषय के ऊपर। हमारा आज का टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट वॉन्ट था और सेकंड हमारे पास से गुड्स। दोस्तों गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसको आपने बहुत सी बार सुने होंगे। देखो हमारे ट्रक के पीछे लिखा होता है गुड्स कैरियर, गुड्स कैरियर। तो गुड्स का वर्ड काफी कॉमन होता है, तो मैं उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों गुड्स का मतलब होता है एनीथिंग, कोई भी चीज, एनीथिंग एनीथिंग दैट सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट, एनीथिंग दैट सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट इट्स टर्म एज अ गुड। एग्जांपल ले सकते हैं, देखो इसकी एक खास बात है, गुड्स की एक खास बात होती है, इसको हम बोलते हैं सामान। तो गुड्स की खास बात यहाँ पे ये है कि गुड्स हैज अ मटेरियल एक्सिस्टेंस। अब सर मटेरियल एक्सिस्टेंस का मतलब क्या हो, एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब देखो मेरे सामने यहाँ मार्कर है, ठीक है, ये मेरे पास गुड्स है, ये हमारे पास सामान है। इसकी खास बात यहाँ पे क्या है कि मार्कर हैज मटेरियल एक्सिस्टेंस। एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं कि सर आई कैन सी मार्कर, आई कैन टच द मार्कर, आई कैन फील द मार्कर। इसका मतलब क्या हुआ कि आई कैन सी, आई कैन टच, आई कैन फील, इट इज कॉल्ड मटेरियल एक्सिस्टेंस। तो दोस्तों जो भी सामान आपके पास है सब मेरे पास मटेरियल एक्सिस्टेंस है। एग्जाम्पल और यहाँ पे ले सकते हो कि मार्कर यूज बाय टीचर, चॉक यूज बाय टीचर। तो जो भी सामान आप यहाँ पे यूज करते हो इट इज कॉल्ड अ गुड्स है। तो एक बात आपको याद यहाँ पे क्या रखनी है कि गुड्स हमारे पास मटेरियल एक्सिस्ट रखता है, मतलब मटेरियल का एक्सिस्टेंस होता है। सेकेंड हमारे पास है सर्विस, सर्विस भी गुड्स की तरह होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे ये यह है कि सर्विस ऑल्सो सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट बट सर्विस हैज नो मटेरियल एक्सिस्टेंस। क्या बोले सर आपने, सर्विस इज जस्ट लाइक अ गुड्स, बट डिफरेंस मेरे पास क्या है कि गुड्स का मटेरियल एक्सिस्टेंस होता है और सर्विस का मटेरियल एक्सिस्टेंस नहीं होता। एग्जांपल किस तरीके से, एग्जांपल हमारे पास है टीचिंग ऑफर्ड बाय द टीचर। अगर टीचर आपको पढ़ा रहा है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो आप उसको देख नहीं सकते, यू कैन ओनली फील, यू कैन ओनली फील। इसको हम बोल देंगे सर्विस इज इनविजिबल और इनटेंजिबल। इनविजिबल का मतलब होता है कि मैं उसको देख नहीं सकता, आई कांट सी, इट इज नॉट विजिबल, उसे हम देख नहीं सकते। तो दो चीजें मेरे पास, मतलब दो मेरे पास कॉमन पॉइंट्स को डिफरेंस करने के लिए, गुड्स आपके पास मटेरियल एक्सिस्टेंस रखता है और सर्विस मटेरियल एक्सिस्टेंस यहाँ पे नहीं रखता है। फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है बेसिक कॉन्सेप्ट में दोस्तों यूटिलिटी। अब सर यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, ये भी आपके पास भयानक कॉन्सेप्ट है। यूटिलिटी का मतलब दोस्तों होता है कि कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी। क्या बोला मैंने यहाँ पे, यूटिलिटी मीन्स व्हाट, कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी का मतलब होता है गुड्स, कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट। समझी मेरी बात, मैं आप लोगों से ये बोलना चाह रहा हूं मैं कि जो कमोडिटी आपके पास है उसकी जो मेरे पास कैपेसिटी है, अगर वो कमोडिटी आपकी नीड्स को फुलफिल करती है, आपकी वांट्स को फुलफिल करती है, उससे हम यहाँ बोलेंगे सिंपल यूटिलिटी। एग्जाम्पल ले सकते हैं, अब मान लो दोस्तों कि मुझे व्हाइट बोर्ड पर लिखना है, ये मेरी नीड है, आई वॉन्ट टू राइट, मैं लिखना चाहता हूं, ये मेरी नीड है। अब मेरे पास मार्कर है, मार्कर मेरे पास से गुड्स है, मार्कर मेरे पास कमोडिटी है। अगर मार्कर का यूज करके मैं बोर्ड पर लिखता हूं, मैं इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। मतलब कि मेरी नीड यहाँ पे क्या थी कि मुझको सिंपल यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखना है, ये मेरी वांट थी यहाँ पे। अब ये गुड्स मेरे पास है, अब से मार्कर से मैंने, मार्कर का मैंने इस्तेमाल किया, मैंने व्हाइट बोर्ड पे सिंपल लिखा, इसका मतलब क्या होता है तो मार्कर में वो कैपेसिटी है, इस कमोडिटी में वो कैपेसिटी जिसने मेरी वांट को सेटिस्फाई कर दिया।
सिंपल मीनिंग में हम इस तरीके से बोल सकते हैं, यूटिलिटी मींस व्हाट, कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट इज कॉल्ड यूटिलिटी। दोस्तों इसके बाद हमारे पास काफी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसका नाम यहाँ पे है वैल्यू। देखो वैल्यू बहुत आसान सा वर्ड है, इसको आप लोगों ने यहाँ सुने भी होंगे। वैल्यू का मतलब होता है प्राइस, किसी भी चीज की यहाँ पे कीमत आप बोल सकते हो, प्राइस और कीमत। तो अगर मैं इकोनॉमिक टर्म के हिसाब से देखूंगा तो वैल्यू मेरे पास दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है वैल्यू इन यूज है, सेकेंड हमारे पास है वैल्यू इन एक्सचेंज है। सर पहले मुझको यहाँ पे डिस्कस करना दोस्तों, वैल्यू इन यूज का मतलब क्या होता है। देखो वैल्यू का सिंपल मतलब होता है वर्थ ना, उसकी कीमत। यहाँ पे अब बात को यहाँ पे समझो, वैल्यू इन यूज का मतलब होता है वर्थ ऑफ कमोडिटी, कि जिस कमोडिटी को आप यूज करो उसकी वर्थ कितनी है, उसकी कीमत कितनी है। अब बात को समझो, वैल्यू इन यूज में मैं उन गुड्स की बात करूंगा, मैं उन कमोडिटीज की बात करूंगा मैं, जिसके लिए आपको सब पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। मतलब उस कमोडिटी को आप यूज करोगे, उसको यूज करोगे और यूज करने के बाद आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल यहां पे ले सकते हो सनशाइन, आप सूरज की रोशनी को यूज करते हो, उसका इस्तेमाल करते हो, वो भी आपके पास एक गुड्स है, उसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड अ फ्री गुड। आप एयर की बात करो यहाँ पे, आप सूरज की रोशनी की बात यहाँ पे कर सकते, सनशाइन की बात कर सकते हो। तो सूरज की रोशनी को मतलब के एब्जॉर्ब करने के लिए उसको यूज कर पेमेंट नहीं करना पड़ता, डू नॉट हैव टू पे प्राइस फॉर सनशाइन, आपको सनशाइन के लिए पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज अ फ्री गुड। तो फ्री गुड का मतलब होता है जो नेचुरली आपको कुदरत से मिलता है, जो मतलब कुदरत से आप इसको इस्तेमाल करते हो, यूज करते हो, उसे हम कहेंगे वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज में आपके पास फ्री गुड आएगा जिसके लिए आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू पे एनी प्राइस फॉर अ फ्री गुड, उसको सिर्फ आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। दोस्तों सेकेंड हमारे पास है वैल्यू इन एक्सचेंज, इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी गुड्स को परचेस कर, अगर मतलब कोई गुड्स आप जैसे एग्जांपल या मार्कर के ले सकते हैं, कि अगर मुझे मार्कर यहाँ पे परचेस करना है, आई हैव टू पे प्राइस, मुझे इसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी, समझो मेरी बात। वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि ये मेरे पास सेलर के पास है, मैं बायर हूं, अगर मैं मार्कर को परचेस करूंगा तो सेलर के पास एक्सचेंज होकर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो एक्सचेंज का मतलब होता है कि मैं एक्सचेंज करने के लिए आपको उसकी जो वर्थ है, उसकी मतलब जो प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी। तो वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब होता है कि उसकी प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी, यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर कमोडिटी, इट इज कॉल्ड अ वैल्यू इन एक्सचेंज। अब एग्जाम्पल इसमें और यहाँ पे देख सकते हैं, थर्ड हमारे पास आता है कि वाटर एंड डायमंड पैराडॉक्स, एग्जाम्पल यहाँ पे और ले सकते हैं। अब मुझको एक सिंपल एक बार बता, दो गुड्स हमारे पास है, वाटर मेरे पास है और डायमंड मेरे पास है, आपके हिसाब से हमारे पास सस्ता कौन है, वाटर है, महंगा मेरे पास डायमंड है, जाहिर सी बात बिकॉज ये कॉस्टली है। अब बात को यहाँ पे समझो, फर्स्ट मेरे पास है, मैं क्या बोलेगा वैल्यू इन यूज की बात, मैं अगर मैं वाटर की बात करूंगा मैं, तो वाटर आपके पास बल्क में अवेलेबल है, ज्यादा क्वांटिटी में आपके पास अवेलेबल है, तो जो चीज ज्यादा क्वांटिटी में आपके पास अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू मेरे पास कम हो जाती है, समझो मेरी बात को मैं क्या बोलूं। डायमंड की वैल्यू ज्यादा होती है, डायमंड की जो मेरे पास एक्सचेंज रेट होता है ना वो ज्यादा होता है, इसको यूज कम करते हैं बिकॉज के कोई अफोर्डिंग नहीं कर पाता ना, तो कैसे करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम का मतलब होता है कि भाई अर्निंग बाय अ पर्सन फॉर मतलब फ्रॉम ऑल दी सोर्सेस, एक पर्सन जो इनकम को अर्न करता है अपने सारे सोर्सेस को मिला के, उसको हम यहाँ पे कहते हैं पर्सनल इनकम। तो एक पर्सन कहीं पे जॉब करेगा तो उसको जॉब से पैसे आ रहे हैं, या उसको कोई बिजनेस है, बिजनेस से पैसे आ रहे हैं, तो इसको हम यहाँ बोल सकते हैं एज अ पर्सनल इनकम। नेक्स्ट हमारे पास है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो जो इनकम आपने कमाए, जो इनकम आपने अर्न करे, उसमें से आप गवर्नमेंट का टैक्स पे कर दोगे। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप अपने इनकम में टैक्स पे करो, उसको बोलते हैं पर्सनल इनकम टैक्स। तो इफ यू पे अ टैक्स ऑन योर इनकम इज कॉल्ड पर्सनल इनकम टैक्स। सेकेंड हमारे पास है कि हमारे पास वेल्थ टैक्स भी आ सकता है। तो आप टैक्स पे करने के बाद अपनी इनकम में से, अपनी पर्सनल इनकम में से टैक्स का पैसा पे करने के बाद जो पैसा बचेगा उसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 1 लाख आपकी इनकम है, उसमें से 10,000 आपने टैक्स पे कर दिए, 90,000 बचा, तो 90,000 आपके खर्चे करने के लिए अवेलेबल है, इट इज कॉल्ड
इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इसको आप इजी और बना सकते हैं कि जो भी इनकम आपने कमाए हो ऑल सोर्सेस से, उस पर्सनल इनकम में से टैक्स का पैसा माइनस करने के बाद, टैक्स का पैसा पे करने के बाद जो पैसा बच रहा है उसे हम बोलेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इसका मतलब होता है कि कितना कितनी इनकम खर्चा करने के लिए आपके पास अवेलेबल है, यानी खर्चा करने के लिए कितनी इनकम आपके पास बची हुई है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास है। हमारे पास वॉन्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। पहला हमारे पास वॉन्ट है, फिर हमारे पास गुड्स है, सर्विसेस है, यूटिलिटी है, वैल्यू है, पर्सनल इनकम है, अलग मेरे पास यहाँ पे क्या है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। आई होप दोस्तों आपको बात यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी। अब दोस्तों इस तरीके से बहुत सारी वीडियोस हम बनाएंगे, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना हो सके इसको आगे आप फॉरवर्ड करें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक का सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी जो वीडियोस की सारी जो नोटिफिकेशन है वो पहले दोस्तों आप सभी तक मिल सके। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए यहाँ पे लेकर आएंगे। अभी के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक धमाकेदार नए कॉन्सेप्ट के साथ में। गुड बाय।